बाल को एसएससीएल में हक मांगने पर मिल रही लाठियां, दर्ज हो रहा है एफआईआर। कोरबा सांसद ने जताई नाराजगी, कहा समस्याओं का समाधान करने के बजाय उलझाए जा रहे मामले, ट्रेनों की लेट लतीफी और कैंसिल होने से भी नाराज। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा है कि कोरबा जिले में स्थापित बालकों में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए तो उनसे वार्तालाप करने की बजाय उन्हें लाठियां चलाकर हटाया गया। इसी प्रकार जब एसएससीएल के भूविस्थापित हक मांग रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। रोजगार और पुनर्वास से संबंधित मामलों को लेकर भूविस्थापित कुसमंडा के अधिकारियों से बात करने पहुंचते हैं तो उनकी दिक्कतों को सुनने की बजाय उन पर एफआईआर हो रहा है। सांसद ने कहा कि एसएससीएल द्वारा जनहित के समस्याओं का समाधान एवं निराकरण के साथ साथ मुआवजा और पुनर्वास रोजगार के लिए आए दिन भूविस्थापितों को धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता है। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले अमगांव पंचायत के ग्रामीण मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर लंबे समय से अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एसएससीएल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। सांसद ने कहा है कि एसएससीएल के अधिकारियों का कोरबा प्रक्षेत्र में आना तो होता है, लेकिन श्रमिक हितों को छोड़कर केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित रहता है। सामुदायिक विकास के कार्यों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। सांसद ने कहा कि एसएससीएल के अधिकारियों से उपरोक्त मुद्दों पर चर्चा कर समाधान निकालने कहा जाएगा। सांसद ने रेलवे के मामले में कहा कि ट्रेनों की लेट लतीफी और कैंसिल होने से जहां यात्री त्रस्त हैं, वहीं रेलवे विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। खबरों से पता लगा है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में सिग्नल स्टॉपर पर ट्रेन चढ़ा दी गई। हालांकि घटना से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेलवे को इसकी जाँच करनी चाहिए। घटना का कवरेज करने गए फोटो पत्रकारों के साथ जिस तरह का व्यवहार रेलवे के अधिकारियों ने किया है वह उचित नहीं है। सांसद ने बताया कि कोरबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अलावा बैकुंठपुर कोरिया और मनंदगढ़ के कार्यकर्ताओं व आमजनों से मुलाकात के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है। आज सांसद के कोरबा प्रवास के दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, पीसीसी सचिव बीएनसी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान, रवि चंदेल, फरियाद अली रिजवी आदि ने उनसे मुलाकात कर स्वागत किया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये भाजपा की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, और जब कोई हक की लड़ाई करता है, अपनी मांग को मांगता है कि भाई ये हम इसके हमको चाहिए, तो उसको लाठियां मिलती हैं। ये इनका राज्य है और कहते हैं कि राम राज्य कर रहे हैं। क्या राम राज्य में ऐसा ही होता था? अपनी चीज़ों को मांगते हैं, वो स्थापित हैं, अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं, जो उन्होंने ज़मीन दी है, नौकरी मांगते हैं। ये उनका संघर्ष है अपने अधिकार को लेने के लिए, और वहाँ के CMD नहीं दे रहे हैं, तो मैं तो इसका विरोध करती हूँ और कहूँगी कि मैं उन्हीं मजदूरों के साथ हूँ जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लड़ाई के साथ हूँ, और ये उनका सुनना चाहिए उनको, और उनको जो भी मुआवजा है संघर्ष जो कर रहे हैं जिसके लिए, उसको पूरा करना चाहिए। कई बार कह चुकी हूँ रेल मंत्री को, जब पीयूष गोयल थे, अभी वैष्णव जी हैं, सबसे बात कर चुकी हूँ, कई लेटर लिख चुकी हूँ। अभी जो 17 तारीख को मीटिंग होने वाली थी वो टल गई है, उसमें भी मैंने ये पत्र लिखा था। अभी मैं फिर उनको कहूँगी, लेट लतीफ़ी लदान की क्यों नहीं होती? जिससे पैसा उनको चाहिए उससे उसकी लेट लतीफ़ी नहीं होगी, पैसेंजर्स की होगी। उनको रोक करके हमारी पैसेंजर्स ट्रेन को निकालना चाहिए, उसके लिए करेंगे 6-6, 8-8 घंटे लेट होगी, और उस पर से कैंसिल, अचानक कैंसिल, ये एक मानवता के आधार पर गलत है। और हमारे यात्रियों को और हमारे कोरबा वासियों को, जहाँ की मिनी भारत है और जहाँ हमारे देश के हर एक स्टेट से लोग यहाँ काम करते हैं, तो उनका तो एक है ही है। हमसे एक बार मंत्री जी ने भी कहा था कि फ्लाइट से क्यों नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास के लोग, एक रेल ही हमारी यात्रा का मुख्य साधन है, उसी को ठीक नहीं कर रहे हैं।